हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, अब इस मकान पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट दिया ये चट्टान छोड़ दे हम। पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें नौजवान शायर जिसे पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत और सुना जाता है, अल्फाज प्रताप अली साहब। आप इतनी कमजोर तालियों में उनका इस्तकबाल नहीं कर सकते, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दे अल्फाज प्रताप। हालांकि मोहब्बत का शिकार सब होते हैं, उसकी गिरफ्तारी में सबको आना पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ, अधूरा सा उसके लिए हल हुआ हूँ, अधूरा सा उसके लिए हल हुआ, अधूरा सा उसके लिए हल हुआ हूँ, अधूरा सा उसके लिए हल हुआ हूँ, अधूरा सा उसके लिए हल हुआ हूँ, मगर एक जानिब मुकम्मल हुआ हूँ, मगर एक जानिब मुकम्मल हुआ हूँ, लगी धूप उसको जहाँ भी जभी भी, 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 लिए छाँव जब जब मैं बादल हुआ हूँ, लिए छाँव जब जब मैं बादल हुआ हूँ। और ये गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा इरशाद। रहा जिसकी खातिर हमेशा मैं सोना, 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 मगर आज नफरत में पीतल हुआ हूँ, मगर आज नफरत में पीतल हुआ हूँ। एक छोटी सी नज़्म भाई, अल्फाज साहब बड़ी लंबी फहरिस्त है। हाँ, आखिरी चार मिसरे में पढ़ता हूँ धारावी वालों, इंशाल्लाह वक्त भी कम है और बता रहे हैं कि और भी शोरा को पढ़ना भी है। मैं हालांकि मुझे शहीद जैसा कर सकता है, जैसे डाइस पे आया वैसे मुझे लगा। नहीं, शहीद शहीद की नसीब में जन्नत होती है, अभी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुनूंगा अता की कि बन के इस रहूंगा नींद में भी तो मैं एक पल जाग जाऊंगा, रहूंगा नींद में भी तो मैं एक पल जाग जाऊंगा, उठूंगा तो मचाने को मैं हलचल भाग आऊंगा, उठूंगा तो मचाने को मैं हलचल भाग आऊंगा, इशारा ही करोगे आप सब जो मेरे आने का, इशारा ही करोगे आप सब जो मेरे आने का, मिले ना ट्रेन गर जो प्लेन पैदल भाग आऊंगा। अल्फाज भाई की बन के इस जमीन का फूल खिलने में चले आया, सुनिएगा दोस्तों कि बन के इस जमीन का फूल
खिलने में चले आया जो रिश्ते चाक थे उनको सिलने में चले आया जो रिश्ते चाक थे उनको सिलने में चले आया। ये अपना घर है अपनों से मोहब्बत ज्यादा होती है। अब धरावी वालों अगर आप सबके लिए यहाँ आया हूँ तो अगले मिसरे पे आप सब बताइए कि बन के इस जमीन का फूल खिलने में चले आया जो खिलने में चले आया। ये अपना घर है अपनों से मोहब्बत ज्यादा होती है जब ही तो धरावी वालों से मिलने में चले आया जब ही तो धरावी वालों से मिलने में चले आया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। देश में हालात बहुत खराब है, सबको मरना है, एक दिन ऊपर जाना है और सबका हिसाब होगा। वो क्यों ना प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, कोई भी हो। मैं शेर सुनिएगा। अमन का फिर शताब होएगा, अमन का फिर शादाब होएगा, हक फिर शबाब होएगा, हक फिर से शबाब होएगा। जुल्म जो कर रहा तू कर ज़ालिमा, बहुत जुल्म हो रहा है। सुनिएगा दोस्तों, जो कर रहा तू कर जालिम, जुल्म जो कर रहा तू कर जालिम, रब से तेरा हिसाब होएगा, रब से तेरा हिसाब होएगा, रब से तेरा हिसाब होएगा। मैं एक गजल पढ़ता हूँ, पढ़िए पढ़िए। तो इजाजत चाहता हूँ, आप सब सुनिएगा, बहुत बहुत करीब है। क्या बोल भाई, आप पढ़िए पढ़िए। मैं एक गजल पढ़ता हूँ। यहाँ हमारे बहुत सारे नौजवान दोस्त बैठे हैं जो कि फेसबुक इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाते रहते हैं, उनके काम आएगा इंशाल्लाह। मैं